तो आज मैं थिएटर में गया भीड़ ये फिल्म देखने के लिए अपने घर के नज़दीकी थिएटर में। एंड गेस व्हाट, थिएटर में भीड़ ही नहीं थी। थिएटर वाले ने कहा कि सर शो कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि थिएटर में ऑडियंस है ही नहीं। और ऐसे ही शुरू हुआ मेरा एक्सपीरियंस भीड़ को लेकर। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसी लगी मुझे ये फिल्म। हे व्यूअर्स, दिस इज अनिकेत प्रगति एंड सब्सक्राइब टू अवर फिल्मी चैनल पॉपकॉर्न प्रीव्यूज। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा फिल्म के डायरेक्टर की, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर ही इस फिल्म के हीरो हैं, अनुभव सिन्हा। इससे पहले मैं उनकी बहुत सारी फिल्में देख चुका हूँ, लेकिन ये फिल्म मुझे अच्छी लगी। और इस फिल्म में उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क भी लिया था, ब्लैक एंड व्हाइट में उन्होंने ये फिल्म दिखाई। बट फिल्म की सिनेमाटोग्राफी अच्छी होने की वजह से मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ डिफरेंस पड़ा, क्योंकि बहुत बार तो मैं ये फिल्म देखते हुए रियलाइज़ भी नहीं कर पाया कि अच्छा फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में चल रही है। और मुझे लगता है कि जो एक्सपीरियंस डायरेक्टर क्रिएट करना चाहते थे उस ब्लैक एंड व्हाइट एलिमेंट के साथ, वो शायद कहीं ना कहीं इस फिल्म में क्रिएट हुआ है। बढ़ते हैं फिल्म के प्लॉट की तरफ। तो मैं बोलना चाहूँगा कि अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियाँ दिखाई गई हैं इस फिल्म में, जो अलग अलग जगहों से आए हैं और वो एक ही जगह पर आके रुक जाते हैं, जो कि किसी स्टेट का बॉर्डर होता है। और उस स्टेट बॉर्डर पर आकर कई सारे लोगों की कई सारी कहानियाँ अलग से शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले पुलिस वाले का जो कैरेक्टर प्ले किया है राजकुमार राव ने, वही इस फिल्म का प्रोटैगनिस्ट है। ईमानदार पुलिस ऑफिसर दिखाए हैं वो, गवर्नमेंट के बीच में और जनता के बीच में वो किस तरह से अपना एक अलग स्ट्रगल कर रहे हैं वो दिखाया गया है। और दूसरी तरफ एक अमीर औरत दिखाई गई है जो हॉस्टल में जाकर अपनी बेटी से मिलना चाहती है। एक वॉचमैन का भी किरदार है जो पंकज कपूर ने निभाया है। वो शहर चला जाता है नौकरी की तलाश में और अब लॉकडाउन लगने की वजह से वो वापस अपने गाँव जाना चाहता है, पर अभी जहाँ पर वो रुका है वहाँ पर उसके साथ जो उसका परिवार है उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, तो उस वजह से वो किस तरह अलग अलग तरीके से स्ट्रगल कर रहा है वो दिखाया गया है। उसके बाद मीडिया रिपोर्टर का भी एक कैरेक्टर दिखाया गया है इस फिल्म में। और एक बेटी है जो अपने शराबी बाप को लेकर अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है, अपने घर वो वापस जाना चाहती है। और इन सभी किरदारों के साथ कोई नेता है, कोई डॉक्टर है और चंद पुलिस वाले हैं जो सैकड़ों लोगों के साथ उसी एक स्टेट बॉर्डर पर अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक्टर्स की बात करूं तो बस लीड एक्टर्स ही नहीं, तो स्क्रीन पर जितने भी लोग आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। उन्होंने इस फिल्म का जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है, जो ओवरऑल फील है, उसको बहुत अच्छे से एनहांस किया है। और फिल्म के जो डायलॉग्स हैं वो डायलॉग्स ही इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। डायलॉग्स इतने अच्छे हैं कि ये फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट है, ये फिल्म एक ऐसा टॉपिक लेकर आई है जो उतना ज़्यादा एंटरटेनिंग ना हो, बट उसके बाद भी जिस तरीके के डायलॉग्स इस फिल्म में सुनने को मिल रहे हैं उस वजह से ये फिल्म काफ़ी अच्छी लग रही है। तो वही है कि ये डायलॉग्स, बैकग्राउंड स्कोर, लोगों की सिचुएशंस, मजबूरियाँ, बहुत सारे मूमेंट्स रोंगटे खड़े कर देते हैं, दिमाग को हिला कर रख देते हैं और उस वजह से फिल्म में ज़रा भी बोर नहीं होता। डेफिनेटली फिल्म का टॉपिक ऐसा है कि वो एंटरटेनिंग नहीं है, कोई कॉमेडी नहीं है, ऑल इन ऑल पूरा ड्रामा ही है, बट फिर भी फिल्म काफ़ी ज़्यादा एंगेजिंग है। ऑडियंस को बहुत अच्छे से फिल्म होल्ड करके रखती है। फिल्म का प्लॉट तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से फर्स्ट हाफ तक ये सारी अलग अलग कहानियाँ जुड़ जाती हैं एक साथ, उसके बाद वो कहानियाँ क्लाइमैक्स जाकर पहुँचती है। बट मेरे हिसाब से क्लाइमैक्स थोड़ा और अच्छा हो सकता था, जो कि टॉपिक को लेकर काफ़ी अच्छे से फिल्म कंक्लूड की जा सकती थी। और उसी वजह से इस फिल्म को मैं 3.5 स्टार्स के साथ रेट करना चाहूँगा। फिल्म अच्छी है, अगर कोरोना के टाइम पे लोगों की किस तरीके से सिचुएशन हो गई थी, एक्चुअल में रियलिटी क्या थी इन सारी चीज़ों की, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए।